मेरी उपेक्षा है सरकार से कि मध्य प्रदेश के अंदर जरा ध्यान करके इसको एग्रो की फील्ड के अंदर और टूरिज्म की फील्ड के अंदर इसके अंदर अपार स्कोप है जिसका गवर्नमेंट भरपूर उसको एक्सपोज कर सकती है। बिल्कुल संजय जी, क्योंकि जैसा कि देखते जा रहे बजट के और कौन कौन से अच्छे टर्म हैं इसमें, एक फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलने की बात कही जा रही है, 30 लाख युवाओं को इससे फायदा होने की बात कही जा रही है। जी, इसके अलावा भी बहुत सारी, ये बजट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही खराब बजट है, बजट बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब कोई वित्त मंत्री खड़ा होता है, वो भी जुलाई के माह में, तो उसको ये ध्यान रखना है कि इसको मार्च के अंदर अंदर क्या चीजें इम्प्लीमेंट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, नंबर एक। नंबर दो, जो चीजें उनको प्राथमिकता तय होती हैं, आप स्वयं गृहिणी हैं, अगर आपने के अभी लंच का टाइम हो रहा है तो आप डिनर की चर्चा करके क्या किसी को खुश कर सकती हैं क्या? वो तो तय ये करेगा कि भाई दोपहर में खिलाने क्या वाले हो, शाम को आप मटर पनीर बनाने वाले हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या दोपहर में आप भूखा रखने वाले हो? सवाल इस बात का है कि आप तात्कालिक रूप में क्या उपाय कर रहे हैं। तो उसके लिए अब क्या है, आप ये समय चला गया कि समीक्षा हो। अब 10 साल इस सरकार ने इस देश को समझ लिया और लोग ने इस सरकार को समझ लिया, अब समय है इम्प्लीमेंटेशन का। समीक्षा समीक्षा खेलना सरकार बंद करे और इम्प्लीमेंटेशन चालू करे। एक बहुत अच्छी बात जो मैंने नोट की है, जो मैं ढूंढ ये रहा था कि आलोचना तो बड़ी सरल है, अच्छा क्या है, तो एक अच्छाई जो मुझे दिखी, जिसका मैं एक करदाता, चूंकि मैं करदाताओं का प्रतिनिधि हूँ, करदाता भारती हमारा यही काम करती है, हमने एक चीज जो अच्छी देखी, जो हम जिसकी मांग कर रहे थे कि स्टाम्प ड्यूटी का रीजनलाइजेशन हो। होता यह है कि हर राज्य अपनी स्टाम्प ड्यूटी अलग करता है, मध्य प्रदेश में हम एक स्टाम्प ड्यूटी देते हैं, महाराष्ट्र में दूसरी देते हैं, उत्तर प्रदेश में तीसरी देते हैं। होता यह है कि जिस राज्य में स्टाम्प ड्यूटी का फायदा होता है वहां विचलन होता है। हम बराबर बिल्कुल ये मांग कर रहे थे कि स्टाम्प ड्यूटी उतना जमीन का रेट नहीं बढ़ता जितनी आप स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा देते हो। जमीन वहां 10 लाख की बढ़ती है, स्टाम्प ड्यूटी आप 50 लाख की मांगते हो। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी बात की है कि उन्होंने सरकार से अपेक्षा की है कि स्टाम्प ड्यूटी का रेशनलाइजेशन किया जाए और उसके लिए उन्होंने एक फंड भी बनाया है। लेकिन सवाल इस बात का है बिल्कुल कि मैंने वही कहा कि दोपहर में के खाने के समय आप रात के खाने की बात मत करो। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वहां पर वो तात्कालिक रूप से स्टाम्प ड्यूटी में कोई छूट ठीक है, देने वाली है क्या या बदलने वाली है क्या? वरना बिल्कुल लेक्चर देने से काम नहीं होगा। बिल्कुल आपकी नीयत बिल्कुल। अच्छी हो सकती समय है, मेरे पास लेकिन बहुत जमीन पे नहीं कम उतरा बचा हुआ है, तो एक छोटा सा खराब। रिएक्शन राजाराम जी आपसे लेना चाहूंगी। क्या किसान आने वाले समय में फिर से आंदोलनरत होगा या फिर अब इसी से संतुष्ट होकर बैठ जाएगा? छोटा सा रिएक्शन, बहुत कम समय। देखिए, हम लोग इस बजट की ओर बड़ी आशा भरी नजर से देख रहे थे। हमें उम्मीद थी कि एमएसपी गारंटी कानून सरकार लाएगी, जिसका 1 रुपया खर्चा भी नहीं पड़ता। लेकिन अब किसानों के पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता इन्होंने छोड़ा नहीं है। मेरा मानना है सरकार अभी भी किसानों के साथ बैठ के बीच का रास्ता निकाल सकती है। चलते बिल्कुल, चलते बीच मैं के रास्ते छत्तीसगढ़ यहाँ के पर बारे में निकलने जरूर की कहूंगा। बेहद जरूरत है। बहरहाल यहाँ पर जिस तरह से बजट पेश किया गया, इस बजट के बाद कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, लेकिन फिलहाल में लोगों के चेहरे जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे वो मायूस होकर जरूर बैठे हुए हैं। आने वाले समय में इससे कितना लाभ होगा इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ देखिए यहां पर अब जिंदगी बदलेगा। किसान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो अच्छा उत्पादन देंगे। न केवल उत्पादन